हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए गुणों से भरपूर नीम की पत्तियां। दोस्तों इनमें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे बालों को काले करने में, बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने में, बालों को घना मजबूत करने में और डैंड्रफ को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा गुणों से भरपूर है, रामबाण है। तो इसकी बहुत ही रामबाण रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों नीम का पेड़ तो हर गाँव शहर में पाया ही जाता है, ऐसा कोई गाँव शहर नहीं होगा जहाँ पर नीम का पेड़ ना दिखाई दे। तो पत्तियाँ लीजिए आप, कम से कम 40 से 50 पत्तियाँ होनी चाहिए इस रेमेडी के लिए दोस्तों। और इस तरीके से पत्तियों को लीजिए और इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों साफ कर लीजिएगा, थोड़ी मिट्टी वगैरह होती है फूल पत्तियों के ऊपर तो साफ करना जरूरी है। तो इस तरीके से पत्तियों को लेकर दोस्तों मिक्सी जार में ऐड कीजिए। और इसके बाद दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गुणों से भरपूर आम की पत्तियां। अगर आप मेरी वीडियोज को पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा मैंने काफी वीडियोज में रेमेडीज में ये बता चुकी हूँ कि आम की जो गुठली होती है उसके अंदर का जो बीज होता है वो हमारे बालों के लिए बेहद गुणकारी होता है। उसी तरीके से दोस्तों आम की पत्तियां भी हमारे बालों के लिए बेहद गुणकारी होती हैं। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे बालों के लिए बेहद फायदेमंद है। तो आम की पत्तियां लीजिए दोस्तों, गाँव शहर हर जगह आम का पेड़ देखने को मिल जाता है। तो आम की पत्तियां लीजिए दोस्तों, कम से कम 10 से 15 आम की पत्तियां आपको चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आम की पत्तियों को थोड़ा सा तोड़कर क्रश करके उसी मिक्सी जार में हम ऐड करेंगे। और अभी लास्ट में आप देख रहे हैं औषधीय गुणों से भरपूर बेर के पत्ते, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। ये है कच्चे बेर, जो पकने के बाद बहुत टेस्टी लगते हैं, सब्जी मंडी में आपको आसानी से मिल जाते हैं, आपने अपनी लाइफ में जरूर खाए होंगे बेर। तो बेर के पत्ते जो हैं वो बालों को काला करने में, बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने में, बालों को घना और मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो बेर के पत्ते आपको चाहिए दोस्तों, कम से कम एक मुट्ठी भर आपको बेर के पत्ते लेने हैं और उसी मिक्सी जार में हम ऐड करने वाले हैं। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि इन पत्तियों को पीसने में आसानी हो। तो इनको पीस कर पतला स्पेस तैयार करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल महीन पीसने के बाद इसे हम सूती मलमल के कपड़े की मदद से निचोड़कर इनका हम रस निकालेंगे। तो इस तरीके से सूती मलमल के कपड़े में से डालकर अच्छे से निचोड़ लीजिए, छलनी की मदद से, जे इतने अच्छे से इसका रस निकलेगा नहीं, बहुत मुश्किल होगी। तो इस तरीके से इसका रस निकालिए। तो बालों के लिए अमृत के समान हमारी ये रामबाण रेमेडी तैयार है दोस्तों। अभी इसको कॉटन की हेल्प से अपने बालों की जड़ों पर लगाइए, चाहे स्प्रे बोतल में डालकर अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाइए। और आप में से काफ़ी व्यूअर्स के ये सवाल होंगे कि क्या मैम हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं, कितने दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं? तो आप मैजिकल वाटर को 4 से 5 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहले इस मैजिकल वाटर को अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाइए। बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाने के बाद फिंगर टिप्स की हाथ से 5 से 10 मिनट तक हल्की सी मसाज कीजिए और उसके बाद कम से कम 4 घंटे तक आप इस मैजिकल वाटर को अपने बालों पर लगा रहने दीजिए। 4 घंटे के बाद आप सादे पानी से अपने बाल को धो सकते हैं। हफ्ते में 2 बार 7 से लेकर 8 महीने लगातार आप इस रामबाण रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए। धीरे धीरे आपके सफेद बाल काले होने शुरू होंगे। बाल अगर झड़ते हैं तो बालों का झड़ना बिल्कुल बंद होगा, बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।